हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सरल सी डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही पुरानी डिज़ाइन है, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में उतनी ही इजी भी है। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। ये फोर फंदों की डिज़ाइन है, इसलिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जब हम फंदे डालेंगे वो फोर के मल्टीपल्स में डालेंगे और वन फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे। वैसे तो ये टू रो की डिज़ाइन है, लेकिन एक बार डिज़ाइन बनाने के बाद जब हम दूसरी बार डिज़ाइन बनाते हैं तो डिज़ाइन की जगह चेंज हो जाती है, इसलिए ये टू की जगह फोर रो की डिज़ाइन हो जाती है। यहाँ पर मैंने 17 फंदे डाले हैं, टू रो का बॉर्डर बिना है, जो कि दोनों ओर से यानी कि राइट साइड और बैक साइड दोनों ओर से उल्टे उल्टे फंदों से बनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से ही मौजूद हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आती है, इस डिज़ाइन को बनाने का ढंग पसंद आता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। इसके बाद दूसरा कलर हमने लगा लिया है, दूसरे कलर से हम क्या करेंगे, तीन फंदे लेंगे। फोर फंदों की डिज़ाइन है, एक फंदा हमने स्लिप कर लिया है, तीन फंदे लेंगे। ये तीन फंदे, तीन फंदों से हम तीन फंदे बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे? ये एक फंदा बनाया सीधा तीन फंदों से, सड़ाई पर लपेट के दूसरा फंदा सीधा बनाया और फिर तीन फंदों से एक सीधा फंदा बना लिया। इस तरह से तीन फंदों से तीन फंदे बना लिए। तो ये हमारे तीन फंदे तीन फंदों से हो गए और एक फंदा स्लिप किया हो गया। फिर इसी तरह करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और तीन फंदे लेंगे। ये एक, दो और ये तीन, तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे। एक सीधा फंदा बना लेंगे, सिलाई पर लपेट करके दूसरा सीधा फंदा बनाएंगे और सिलाई तीनों फंदों में सिलाई डाल करके एक तीसरा फंदा बनाएंगे। इस तरह से तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे। डिज़ाइन की फर्स्ट रो में एक फंदा हम स्लिप करेंगे, चार फंदों की डिज़ाइन है और तीन फंदे, ये एक और ये दो और ये तीन, तीन फंदों से हम तीन फंदे बनाएंगे। ये पहले एक सीधा फंदा बना लिया, सिलाई पर लपेट के दूसरा फंदा बनाया और फिर ये तीन फंदों से एक तीसरा फंदा बुन लिया। इस तरह से हम पूरी रो बनाते चले जाएंगे। हम डिज़ाइन की सेकेंड रो पर हैं, जो कि बैक साइड से है। पूरी रो हम उल्टे उल्टे फंदों से बनाएंगे। इस रो के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। इस तरह से पूरी रो बनाते चले जाएंगे। डिज़ाइन की सेकंड रो जो कि बैक साइड से है, उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाएगी। पूरी रो के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। सेकंड रो जो कि बैक साइड से है, सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाए जाएंगे। अब हम थर्ड रो पर हैं। इस बार हम क्या करेंगे, ये मैंने पहली बार फंदा स्लिप किया था और ये तीन फंदों से तीन फंदे बनाए थे। अब इन तीन फंदों को के जो बीचों बीच का फंदा है, इस फंदे को हमें स्लिप करना है और इसके साइड वाले फंदे जो हैं इनको सादा बिन लेंगे और इनके बाद जो फंदे हैं उनमें तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे। तो हमें ये फंदा स्लिप करना है। डिज़ाइन की थर्ड रो में हम क्या करेंगे, उनका कलर चेंज कर लेंगे और उसके बाद पहले दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे, दूसरे कलर से बुन लेंगे, एक फंदा स्लिप कर लेंगे। अब इन तीन फंदों से तीन फंदे बनाने हैं, तो क्या करेंगे, इन तीनों फंदों से ये सिलाई डाल देंगे तीनों फंदों के अंदर से और एक सीधा फंदा बुन लेंगे। ये हमने फंदा बुन लिया है, सिलाई पर लपेट के दूसरा फंदा बुनेंगे और फिर तीन फंदों से तीसरा फंदा बुनेंगे। ये इस तरह से हम बनाएंगे। एक फंदा हम स्लिप करेंगे और तीन फंदे, ये एक और ये दो और ये तीन फंदे, तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे। ये इस तरह से पहले एक फंदा बुन लेंगे, सिलाई पर लपेट के दूसरा फंदा बनाएंगे और ये तीसरा फंदा बनाएंगे, तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे। फिर एक फंदा स्लिप कर लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। एक फंदा स्लिप करेंगे और तीन फंदों से
तीन फंदे बनाएंगे, ये एक दो और ये तीन, तीन फंदों में सिलाई डाल करके एक फंदा पहले सीधा बुन लेंगे, फिर सिलाई पर ऊन लपेट के दूसरा फंदा बनाएंगे और फिर इन तीनों फंदों से एक तीसरा फंदा बना लेंगे। इस तरह से तीन फंदों से तीन फंदे बन जाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट के दोनों फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से हमें पूरी रो बनानी है। डिजाइन की फोर्थ रो जो कि बैक साइड से है, पूरी उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाएगी। इस रो के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुने जाएंगे। डिजाइन की लास्ट रो फोर्थ रो उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाएगी। बैक साइड से फोर्थ रो उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाएगी। बहुत ही आसान डिजाइन है। फर्स्ट रो में और थर्ड रो में डिजाइन पड़ती है, सेकंड रो और फोर्थ रो उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये डिजाइन? आशा करती हूँ आपको ये डिजाइन बहुत पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिजाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।